ये देखिए सुंदर रेती है, हाँ रेती में बच्चे खेल रहे हैं, इसीलिए इसको रमन रेती कहलाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम जो छोटे से बालक थे तो अपने ग्वालों वालों मित्रों के साथ में इस तरह सुंदर कोमल रेती में खेलते थे, इसीलिए इसको रमन रेती कहा गया। देखिए यहाँ भक्त लोग लोटांगन कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं अपने शरीर को भगवान के राज के साथ स्पर्श करा रहे हैं, ठीक है ना। ये सुंदर कोमल बालू हैं, हाँ कदम का वृक्ष है, हम संध्या समय में आए यहाँ दर्शन के लिए, इसलिए इसका लाइट वगैरह देख रहे हैं, संध्या समय में दर्शन हो रहा है, बहुत सुंदर है। आप देखो बच्चे आ रहे हैं, आप देखिए देखिए देखिए, हाँ हाँ आप देखिए, अब देखिए जो बाली का खेल खेल रहे हैं, हाँ सुंदर सुंदर, ये बहुत सुंदर स्थान है। भगवान कृष्ण और बलराम और वहाँ पर ग्वाला वालों के साथ में यहाँ खेलते थे, तो कोई बालू के अंदर घर बनाता था, दूसरा मित्र उसको तोड़ देता था, तो कभी भगवान कृष्ण थोड़ी सी बाली की पहाड़ी छोटी सी ऊंचा स्थान होता था चढ़ जाते थे ऊंचा करके, तो दूसरा उनको खींच लेते थे, उनका पैर को खींच लेते थे नीचे, तो इस तरह के अनेक प्रकार सुंदर बाल लीला यहाँ हुआ था। गोकुल महावन में अति रमणीय स्थान है, इसलिए इसको रमन रेती कहते हैं। गोकुल धाम की जय, रमन रेती की जय, गौर हरि भेमानंदे हरि हरि बोल।